to my channel online learning. Dear student, today we will solve scholarship examination standard 5th paper 2 English third language presented by Saima Fayaz. So listen carefully. Sample questions. Question number 1. Find out the capital letter hidden in the picture. मुकाबिल की तस्वीर में मख्फी अंग्रेजी के बड़े हर्फ को पहचानिए. एक्स ए वाई बी. दी वजाहत. दी हुई शक्ल में हर्फ वाई मौजूद है. मुतबादिलात में कोई दूसरा हर्फ इस शक्ल में नज़र नहीं आया, इसलिए मुतबादिल 3 ही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 2. Choose the missing letter from the given alternatives. दिए हुए मुतबादिलात में से गुमशुदा हरूफ को तलाश कीजिए. पी क्यू डैश एस डैश यू वी डैश डैश वाई जेड. वजाहत. चौकोन में दिए हुए हरूफ के ग्रोह में हरूफ आर टी व डब्ल्यू एक्स नहीं है, जो मुतबादिला 2 में तरतीब वार दिए गए हैं, इसलिए मुतबादिल 2 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 3. चूज द वर्ड दैट बिगिन विद डिफरेंट साउंड. मुख्तलिफ आवाज़ से शुरू होने वाला लफ्ज़ मुंतखब कीजिए. बैग बैट पैड बैड. मुतबादिल 1, 2 और 4 के लफ्ज़ ब से की आवाज़ से शुरू होते हैं. अलबत्ता मुतबादिल 3 में लफ्ज़ पैड की इब्तदा मुख्तलिफ आवाज़ प से शुरू होती है, इसलिए मुतबादिल 3 ही सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द वर्ड दैट डज नॉट साउंड एज गो इन द एंड. जो वो लफ्ज़ मुंतखब कीजिए जो ग की आवाज़ पर ख़त्म नहीं होता. रिंग सिंग पिंक किंग. वजाहत. मुतबादिलात 1, 2 और 4 में अल्फाज को आखिरी आवाज़ ग के है. मुतबादिलात 3 में लफ्ज़ पिंक की आखिरी आवाज़ क है, इसलिए मुतबादिल 3 सही जवाब है. द लेटर विथ फ साउंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. दिए हुए मुतबादिलात में ऐसा हर्फ मुंतखब कीजिए जिसमें इसकी आवाज़ फ है. पी एच एफ बी. वजाहत. मुतबादिल ए 1 में पी की तलफ़ुस प है. मुतबादिल 2 में एच की तलफ़ुस ह है. मुतबादिल 4 में बी की तलफ़ुस ब बी का तलफ़ुस ब ब है. 3 में फ का तलफ़ुस फ एफ का तलफ़ुस फ है, इसलिए मुतबादिल 3 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द गिवन वर्ड डज नॉट बिगिन विद द साउंड जी ज. दिए हुए अल्फाज में किस लफ्ज़ की आवाज़ ज है, ज से शुरू नहीं होती. जिराफ जिंजर गेट जेंटल. वजाहत. मुतबादिलात 1, 2 और 4 में अल्फाज ज की आवाज़ से शुरू होते हैं. मुतबादिल 3 में लफ्ज़ गेट मुख्तलिफ आवाज़ ग के से शुरू होता है, इसलिए मुतबादिल 3 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 4. 5. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ डिफरेंट साउंड ऑफ द लेटर यू. जेल के अल्फाज में किस लफ्ज़ में यू की आवाज़ मुख्तलिफ है. बट पुट पुश पुल.
मुतबादिल टू थ्री और फोर में यू की आवाज़ पेश जैसी है, इसलिए लेकिन मुतबादिल एक में यू की आवाज़ ज़बर की तरह है, इसलिए मुतबादिल वन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द गिवन वर्ड बिगिन विच द कैपिटल लेटर। दिए हुए अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ बड़े हर्फ से शुरू होता है। मैंगो, मोहन, मैन, मंकी। एट वन थ्री एंड फोर के अल्फाज की इब्तदा छोटे हर्फ की से होती है। मुतबादिल टू के लफ्ज़ की इब्तदा बड़े हर्फ एम से होती है, इसलिए मुतबादिल टू सही जवाब है।